हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल। आशा करुच्छे जूनियर टीचर 2023 आपण प्रिपेरेसन स्मूथली चली जो मैंने ओटीईटी प्रिपेयर होती प्रिपेरेसन से स्टार्ट कर सारी तो आपण को मन डाउट रोचे कि जेटीसी एग्जाम केबे हम कहीं आप जानते टार्गेट रखा जाए कि डिसेंबर किंबा जनवरी यार जॉइनिंग हम एत शीघ्र प्रोसेस सर तो ओब्वियसली एग्जाम शीघ्र हम तो चलतु आम देखा यार एग्जाम केबे हम देन आ गोटे जिनस मॉक टेस्ट आशा कर 50-60% सिलेबस कवर हो सारी तो से हिसाब से आम मॉक टेस्ट विषय भी टी कथा पूर्व जदि आपने चैनल न्यू देन चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑन कर रखे फल आग को आसुवा सब भिडियो नोटिफिकेशन आप प्रथम पाई और आम टेलीग्राम चैनल जब जॉइन करना जॉइन करने तले डिस्क्रिप्शन में मुझे तार लिंक आपको प्रोवाइड करदेवि तो चलत देखा कौन रही यार एग्जाम डेट केबे ही पारे एक्सपेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एबे यार फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू अच्छी यहाँ रही 10th October जाए एक्सटेंड हम ना हेनी से आम जानू मे बी एटा एक्सटेंड हो न पारे कहीं खूब शीघ्र यार एग्जाम्स हम जॉइनिंग प्रोसेस बहुत शीघ्र हम तो मे बी एटा एक्सटेंड हो न पारे जदि सपोज एक्सटेंड नहला 10th October जाए यार माने फॉर्म फिलिंग एंड हम देन तापर आप जानते ओसेपा गोटे लिस्ट दब कि कौ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रिफरेन्स के पिला माने एवरी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रिफरेन्स के पिला तो सेठारु आपण गोटे अनुमान करें कि आपणकर कंपिटिशन केते पिलांक सह हेउछि देन तापर 10th October जदि एग्जाम माने फॉर्म फिलिंग एंड हुए देन अक्टोबर 31st जाए तो एग्जाम हेनी कहीं फॉर्म फिलिंग रो तार अराउंड 20 days जाए माने जदि से माने रिजेक्ट लिस्ट किसी एमती दिखती तो 20 days जाए एग्जाम हेनी तो एबे होची सेप्टेम्बर अक्टोबर मंथ रे तो एग्जाम हम ही ना देन आम देखा नवेम्बर कैलेंडर ये देखो यहाँ हूँ नवेम्बर कैलेंडर तो नवेम्बर दीपावली छुट्टी थाए आउ यार डे हूँ टोटल 30 days तो एमती किसी ना कि नवेम्बर 1st Sunday कि एमती एग्जाम हम कहीं मल्टीपल सिफ्ट्रे एग्जाम हम आप जानते पेपर 1 एंड पेपर 2 दुईटी पेपर अच्छे पुणी पेपर 1 रे डिवाइड होती आर्ट साइंस पेपर 2 रे डिवाइड होती आर्ट साइंस पेपर 1 तो गोटे सिफ्ट्रे कंडक्ट हो मे भी कहीं एक्सपेरेन्ट कम अच्छा बट पेपर 2 रे अधिक एक्सपेरेन्ट अच्छा तो एमती किसी भी ना कि मानने संडे एग्जाम हम स्टिल आम जो आमर नवेम्बर मंथ स्टार्ट होची वेडनेसडे रु स्टार्ट होची तो फर्स्ट 7 days को जदि आम स्किप करिबा देन 8 तारीख माने 8th November रु 15th November एही भितरे एग्जाम हबार चांस अछि आपण टार्गेट करि चलंतु कि आपणक हाथ रे आ 1 month अछि प्रिपेरेसन पय तो सेही हिसाब निजर प्रिपेरेसन करंतु माने नवेम्बर 8-15 यही भितर एग्जाम होबार चांस अच्छे तो मल्टीपल शिफ्ट हम मल्टीपल मान एत भी अधिक ना अबाउट 3-4 शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट हो तो दिने कि दी दिन एग्जाम हम आते अप्लाई करतीपाई बोथ पेपर परप्सन मगुच आर यू अप्लाइंग फर बोथ पेपर येस को क्लिक करूँ फर्स्ट निजर फर्स्ट पेपर कि सेकेंड पेपर जोटा भी अप्लाई करते फर्स्ट अप्लाय करूँ देन आप क्लिक करके निजर रजिस्ट्रेसन नंबर दे अगर पेपर अप्लाय करूँ कहीं लगि लगी दी दिन जब आप बोथ पेपर हुए आउ डिस्टेंस मानते बहुत दूर से एग्जाम सेन्टर पड़े आप प्रोब्लेम फेस कर पारती आपण बोथ पेपर अप्लाई जब आप मगुच आर यू अप्लाइंग फॉर बोथ पेपर येस क्लिक करके अप्लाई करूँ फल एग्जाम सेंटर गोटे डिस्ट्रिक्ट पढ़ले कि गोटे सेंटर हेले आपको सुविधा हम जब बोथ पेपर अप्लाई करते आदि सिंगल पेपर अप्लाई कर देन नो प्रॉब्लम जो भी हेले आपन जाइकी एग्जाम देखिए आसबे कहीं गोटे सिफ्ट्रे ही एग्जाम हम आप गोटे सिफ्ट थी देन यहाँ मानने आपण मानिक रखत कि नवेम्बर मिड जाए एग्जाम कंडक्ट हो देन यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आसीबो आंसर की आसीबो देन रिजल्ट आसीबो देन मेरिट लिस्ट आसीबो देन डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस वगैरह वगैरह एमती डिसेंबर जनवरी जाए यार प्रोसेस कंप्लीट हबो कहीं जदि मे रे हुए यार माने आमर जदि इलेक्शन हुए मे रे देन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेबा आगर ही एटा सब एंड हो जिवो देन आम देखिबा मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपण 50-60%
सिलेबस कवर हो सारी देन आपण मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ आ जदि जाए सिलेबस कवर होनी एबे प्रिपरेशन स्टार्ट करछंती देन एबे ठो मॉक टेस्ट दियंतुनी मु आपनकु पूर्वरो ही कहि दिली 60-70 किबा 50-60% सिलेबस जदि आपनकर कवर हो सारी देन आपण मॉक टेस्ट स्टार्ट करबे। तो जदि सपोज मु मानि नउछि कि आपनकर सिलेबस ऑलमोस्ट 50-60% कवर हो सारी थिबो तो हे जदि हेछि देन एव्री संडे रे आपन गुटे गुटे मॉक टेस्ट एबे स्टार्ट करंतु। आपण जानिछंती 120 मार्क 120 क्वेश्चंस आउ यार रहिछि 240 मार्क्स रहुछि तो टाइम तो सफिशिएंट अछि माने 2.5 आवर एटा सफिशिएंट टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट पाई मॉक टेस्ट दियंतु नि मॉक टेस्ट दियंतु माने जदि पारिछंती डेस्कटॉप रे दियंतु आपण को प्रैक्टिस हबो मॉक टेस्ट रु आपण माने बेस्ट खोजंतु। यदि केही के मॉक टेस्ट परचेस करिसंदी को इंस्टिट्यूट रु तने आपण कमेंट करी जणेबे कहार मॉक टेस्ट केमती अछि। मु देखि छी सीआई आपण जानिथिबे सीआई र अनंत सर से मॉक टेस्ट प्रोवाइड करछंती तर माने रही 99 आई थिंक यार प्राइस रही 20 मॉक टेस्ट देन स्टडी टाइम रे प्रोवाइड करुछंती 12 मॉक टेस्ट माने 10 मॉक टेस्ट देन 2 VST तो टोटल 12 आपण कंसीडर करी परबे से तार प्राइस रही 149। आउ सर ओडिया रे मध्य अछि बट मु देखिनी केमती कोन अछि तार मॉक टेस्ट ए बोथ सीआई रो किंबा स्टडी टाइम रो आपण चाहेले परचेस करि परबे। आ जदि अन्य कोनोसी आपण कोनोसी मॉक टेस्ट रे आपण एनरोल करिछंती देन हमकु तार फीडबैक जणैबे माने अन्य माने हेल्प पाई परबे सेठो आपण तळे कमेंट बॉक्स रे जणैबे केमती कोन रहिछि मॉक टेस्ट आ को साइड रे को इंस्टिट्यूट केमती मॉक टेस्ट प्रोवाइड करछंती आपण तळे जणैबे। आ गोटे इम्पोर्टेंट जिंस एबे जेतेबेले आपणकर प्रिपेरेशन एते पर्यंत आसिलानी देन मु फर्स्ट जेतेबेले आपणको कहिथिली कि केमती कोन प्रिपेयर हेबे मु आपण गोटे जिंस कहिथिली कि ओटीटी रो एग्जाम रो क्वेश्चंस को आपण एचे बेस नियंतु काहेकि ना एटा जूनियर टीचर फर्स्ट हबो सीबीटी पूर्वर तो एमती मार्क बेसिस रे सिलेक्शन होतला तो एटा जेहेतु फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करा जाउछि आम पाखरे किछि रेफरेंस नाही आमे जानिनु को लेवल रो क्वेश्चंस आसीबो कोन स्टिल आपण ओटीटी रो जहा भी एग्जाम कंडक्ट हेछि फ्रॉम 2011 टू आज जाए माने 2023 जाए जहा भी एग्जाम कंडक्ट हेछि जेतोटी सिफ्ट जिते थर एग्जाम होगी सब क्वेश्चंस को आपड़ा वांस प्रैक्टिस करूँ जहाँ भी आपंकर सिलेबस अच्छे सीडीपी है इंग्लिश ओडिया पैसेज आपड़ा प्रिपेयर हो पारे ग्रामर्स युव वन्स आप देखि ओटीटी प्रीवियस देन आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो एवं जिते बेले जाए एग्जाम डेट आसीनी आपड़ कौन करेंगे एव्री संडे मॉक्स दिंतु 10-12 मॉक टेस्ट एनअप एत अधिक मॉक टेस्ट मध्य देवार ना फर्स्ट मॉक टेस्ट दियंतु देन देखु कौ टॉपिक रे आपणकर रोचे आपणकर मिस्टेक हो टॉपिक को आपण को आगे स्ट्रांग करने पड़ो से ही टॉपिक उपर अधिक फोकस करूँ मॉक टेस्ट देले खाली हेनी ताको एनालिसिस करके आपको इम्प्रूव करने को पड़ा नेक्स्ट मॉक टेस्ट जमी आप स्कोर इनक्रीज हे से हिसाब से आपको टी देखा ध्यान दे कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें देन एव्री संडे मॉक टेस्ट दियंतु यही मंथ ए मंथ तो एंड होगापर नेक्स्ट मंथ जाए आप एमती दिंतु जब आपर एग्जाम डेट आसीज तो एग्जाम डेट सह टाइमिंग आस जो टाइम रे एग्जाम हम सपोज एग्जाम तार सिफ्ट रही 12:30 एमती जो सिफ्ट अच्छी देन जितेबाड़ आप जानवे एग्जाम डेट तार टाइमिंग तापर से ही टाइमिंग रे एव्रीडे आप मॉक टेस्ट देवे फल आपणकर माइंड गोटे सेट हो कि टाइम भितर आमर एग्जाम हबार अच्छे तो से हिसाब से आपड़ा एग्जाम देवे वन्स एग्जाम डेट आउ टाइम आसीगला से ही पर्टिकुलर टाइम रे जो टाइम रे आपर एग्जाम हम से ही टाइम रे डेली आपड़ा गोटे गोटे मॉक टेस्ट देवे और ताको एनालिसिस करेंगे। तो यही हिसाब से मॉक टेस्ट दिखाँ निश्चय आप हेल्पफुल हे आउ ओटीटी क्वेश्चन पेपर को इजी भाविकी जमा भी स्किप करूँनी पर मे भी आप रिग्रेट करेंगे कौन सी एमती हुए कि ओएसएसटी रे जो सब क्वेश्चन आसी थाए हाईस्कल टीचर बेले बेले रिपीट हुए 3-4 क्वेश्चंस एव्री माने प्रतिथर रिपीट होती तो मे भी ओटीटी क्वेश्चंस पेपर मे भी जूनियर टीचर रिपीट होबार चांस भी अच्छी आम पाखे जेहेतु मटेरियल अच्छे आपड़ा ओटीटी को मध्ये प्रैक्टिस करनी देन आप मॉक टेस्ट को जीवे। तो यही हिसाब से निजर प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ यहाँ मंथ एंड है नेक्स्ट आम वन मंथ एवं नेक्स्ट वन मंथ को आप कमी यूटिलाइज करेंगे से रिलेटेड गोटे भिड आसवि से आज देखिक निज प्रिपेरेसन आगे बढ़ात।
आशा करुच्छी भिडियोटी आपाई इनफर्मेटिव रही थी। भिडियो पसंद आसी भिडियो को लाइक करेंगे, निजर फ्रेंड्स मानक सेयार करेंगे आउ फीडबैक जनइबे। आउ गोटे जिनस मुझे कि मॉक टेस्ट विषय जब आपठ कौ परचेस कर फीडबैक देते फल अगर पिला हेल्प पाइपर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।